आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जमकर कोसा। लता मंगेशकर का स्मारक मुंबई के शिवाजी पार्क में बनाने का अनुरोध, भाजपा विधायक ने सीएम ठाकरे को लिखा पत्र। कांग्रेस छोड़ सकते हैं वरिष्ठ नेता अब्दुल मन्नान, मन्नान बंगाल कांग्रेस नेतृत्व के कामकाज के तरीके से नहीं है खुश। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का कहा, जड़ों से कट चुकी कांग्रेस को तय कर लिया है 100 साल तक शासन में नहीं आना। सीएम योगी और सीएम केजरीवाल के बीच ट्विटर पर तकरार, एक ने कहा माफी मांगो तो दूसरे बोले आप तो रहने ही दे। महामारी से बड़ी राहत के संकेत, एक माह बाद कोरोना संक्रमण के नए मामले 1,00,000 के कम। श्रीलंका की नौसेना ने तमिलनाडु रामेश्वरम के 16 मछुआरों को गिरफ्तार किया, 3 नाव भी हिरासत में लिए। अरुणाचल प्रदेश के कोमिंग सेक्टर में हिमस्खलन चपेट में आए सेना के 7 जवान, कोचबन में लगाई गई विशेष टीमें। हरियाणा में निजी क्षेत्र में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट 11 को करेगा सुनवाई, हाई कोर्ट ने 75% कोटा देने पर लगा दी है रोक। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2 हफ्तों में नोएडा के सुपर टेक एमराल्ड कोर्ट को दोनों टावरों को गिराने का दिया आदेश। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया बोले, भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम कर रहा है लागू। ममता बनर्जी पहुंची लखनऊ, अखिलेश बोले यूपी की धरती पर दीदी का हार्दिक अभिनंदन। बिहार में धान खरीदारी में आया बंपर उछाल, 37,00,000 टन हुई खरीदारी, टूट गया पिछले साल का रिकॉर्ड। ईडी से पूछताछ में पंजाब के सीएम चन्नी के भांजे ने किए बड़े खुलासे, माना अवैध खनन से कमाए करोड़ों। लता मंगेशकर के नाम से एमपी के इंदौर में खुलेगी संगीत एकेडमी, महाविद्यालय और संग्रहालय। बारह से भाजपा विधायक डॉक्टर अजय बने अब बसपा प्रत्याशी, पांचवें चरण की 4 सीटों पर बदले उम्मीदवार। अखिलेश यादव का आरोप, बोले भाजपा कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे कुछ अफसर, इन्हें निलंबित करे चुनाव आयोग। जम्मू कश्मीर का आतंकी लखनऊ में गिरफ्तार, यूपी एटीएस ने दबोचा, कोर्ट ने भेजा जेल। चुनाव से पहले सपा को झटका, पूर्व विधायक रघुराज शाक्य और रामसेवक भाजपा में शामिल।
श्रावस्ती के पूर्व विधायक रमजान ने छोड़ा सपा का हाथ, थामा कांग्रेस का हाथ। यूपी चुनाव, भाजपा ने जारी किया लोक कल्याण संकल्प पत्र, उत्तर प्रदेश को देश की नंबर एक अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प। भाजपा के घोषणा पत्र में किसानों के साथ छात्र छात्राओं, महिलाओं तथा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को वरीयता। केशव प्रसाद मौर्य बोले 10 मार्च को बदल जाएगा समाजवादी पार्टी का नाम, हो जाएगा समाप्त पार्टी। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ तैयार करेंगी माहौल, सपा के पक्ष में किया प्रचार। हाथी पर सवार हुए विधायक अमन मणि बसपा से लड़ेंगे चुनाव। सीएम योगी के खिलाफ सपा का बड़ा दांव, योगी के करीबी रहे भाजपा नेता की पत्नी को उतारा मैदान में। अजीत सिंह हत्याकांड में सुनील राठी समेत दो के खिलाफ आरोप दाखिल, जेल में बंद है राठी। लखनऊ पुलिस ने 15 किलो गांजे के साथ 5 तस्करों को दबोचा, 6.5 लाख रुपए भी किए बरामद। समाजवादी पार्टी ने मधुबन पैरिया और सैयद राजा के लिए घोषित किए प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश में 2 दिनों में बादलों की होगा असर, वाराणसी में न्यूनतम तापमान ने कपाया। बलिया में भाजपा प्रत्याशी घोषित, बीजेपी ने संजय यादव पर फिर जताया भरोसा। देवरिया में कांग्रेस ने घोषित किया प्रत्याशी, अंबर जहां को बनाया उम्मीदवार। फतेहपुर में शिक्षकों को किया गया प्रशिक्षित, सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों की उपस्थिति। मथुरा में परचून की दुकान पर हुई छापेमारी, छापेमारी के दौरान अधिकारी ने की अभद्रता। रायबरेली में तेज रफ्तार ने बरपाया कहर, ट्रक ने 2 युवकों को मारी टक्कर। संबल में कांग्रेस प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क, हाजी मरगूब आलम ने किया डोर टू डोर कैंपेन। उन्नाव में विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में पुलिस, पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। अयोध्या में कुएं में मिला शव, गांव में फैली सनसनी। हरदोई में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल आया सामने, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा धरौली गांव। सिद्धार्थनगर में स्वागत समारोह का आयोजन, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत।
सिद्धार्थनगर में सपा प्रत्याशी ने दाखिल किया पर्चा, समर्थकों ने की नारेबाजी। बुलंदशहर में बारातियों से भरी बस पेड़ में टकराई, हादसे में कई बाराती हुए घायल। चंदौली में दिखा तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन की चपेट में आया युवक, इलाज के दौरान युवक की मौत। फर्रुखाबाद में कुमार विश्वास के कार्यक्रम में हुई जमकर मारपीट, कुमार विश्वास के कवि सम्मेलन में जमकर चली कुर्सियां, कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल की जमकर उड़ी धज्जी। यूपी में सियासी हलचल तेज, कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार को दे रही धार, प्रमोद जायसवाल ने किया जनसंपर्क अभियान। चंपावत में भाजपा स्टार प्रचारक ने किया जनसंपर्क, भाजपा प्रत्याशी कैलाश गहलोत के लिए प्रचार प्रसार। गढ़वाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया जनसंपर्क, डॉक्टर धन सिंह रावत के लिए मांगे वोट। हरिद्वार में प्रत्याशी ने किया डोर टू डोर जनसंपर्क, जीत के दावे के साथ विकास की बात। नरेंद्रनगर में कुंजापुरी सिद्धिपीठ मंदिर पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी, मंदिर में आशीर्वाद के बाद मांगा जनता का साथ। ऋषिकेश में उत्तराखंड जनता पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, पार्टी ने प्रत्याशी ने जारी किया घोषणा पत्र। मुख्यमंत्री धामी के हेलीकॉप्टर की पतंग नगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। तुष्टिकरण और जुमे की नमाज की छुट्टी, भाजपा का प्रचंड, गोदियाल ने दिया बयान। उत्तराखंड कांग्रेस ने अब तक कई नेताओं को पार्टी से निकाला, दिग्गज भी शामिल। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि रागिनी नायक बोली, भाजपा शासन में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी। सरकार बनी तो चार धाम चार काम के लिए बनेगा अलग अलग विभाग, कैबिनेट को सौंपा जाएगा जिम्मा, गौरव भल्लव ने दिया बयान। पीएम मोदी 11 फरवरी को उत्तराखंड में फिर भर सकते हुंकार, 9 की ओर जारी होगी भाजपा का दृष्टिपत्र। चुनाव ड्यूटी का अंतिम प्रशिक्षण पूरा, गैर हाजिर कार्मिकों पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में छाए रहेंगे हल्के बादल, 2 जिलों में घना कोहरा, बन सकता है परेशानी। उत्तराखंड के संगीत में था लता मंगेशकर का नाता, इस गढ़वाली गीत को दी थी आवाज। श्रीनगर में शिवराज की हुंकार, बोले राहु और केतु से रहना सावधान। टेनिस स्टार का यौन उत्पीड़न पर बड़ा बयान, कहा मैं कभी उप प्रधानमंत्री पर नहीं लगाया आरोप।
की बड़ी कीमत चुकाएगा, रूस। अमेरिका ने दी सख्त चेतावनी। ब्रिटेन की अगली महारानी बनेंगी कैमिला एलिजाबेथ, द्वितीय ने हाल ही में की घोषणा। सरकार पर जमकर बरसे मौलाना फजल रहमान, कहा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को अपाहिज बना दिया। अमेरिकी स्कूलों में मास्क नहीं है जरूरी, व्हाइट हाउस ने कहा संक्रमण से बचाएगा मास्क, निर्देशों का करें पालन। मानवीय संगठनों की आड़ में आतंकी समूह कर रहा अपना काम, यूएनएससी में त्रिमूर्ति ने किया अलर्ट। विंटर ओलंपिक के मशाल वाहक विवाद पर चीन ने दी बेतुकी दलील, चीनी विदेश मंत्रालय ने दिया विवादित बयान। यूक्रेन पर नहीं टूटेगा गति विरोध, मैक्रो बोले खत्म करो युद्ध की आशंका, पुतिन का जवाब पहले हमारी चिंता दूर करो। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में उलझी ग्लोबल कंपनियां, केएफसी से लेकर पिज्जा हट तक ने कश्मीर पाक पर सपोर्ट किया, भारत में उठी बायकॉट की मांग। श्रीलंका के आर्थिक संकट के लिए चीन की कर्ज नीति जिम्मेदार, अमेरिकी थिंक टैंक ने किया सतर्क। अपने इश्यू प्राइस से 12 रुपए ऊपर लिस्ट हुआ अडानी, विल्मर लिस्टिंग के बाद और तेजी। कार का सफर होगा ज्यादा सुरक्षित, पिछली सीट से होने जा रहा बड़ा बदलाव, थ्री पाइपिंग सीट बेल्ट लगाना होगा अनिवार्य। न्यू लेबर कोड में बदलाव की तैयारी में मोदी सरकार, घट जाएगी कर्मचारियों की टेक होम सैलरी, कंपनियों की बड़ी चिंता। भारत ने अक्टूबर जनवरी में 30.68 लाख टन चीनी निर्यात किया, उद्योग संगठनों ने दिया ये बयान। गौतम अडानी बने दुनिया के 10वें और एशिया के सबसे अमीर शख्स, पीछे रह गए मुकेश अंबानी। मान्यवर आईपीओ को नहीं मिल रही खास प्रतिक्रिया, दूसरे दिन मिला 21% सब्सक्रिप्शन। एफआईआई की बिकवाली से सदमे में निकला शेयर बाजार, सेंसेक्स निफ्टी में दिखी तेजी। मसालों में महंगाई का तड़का, एक महीने में 25% तक बढ़े भाव, हल्दी जीरा और धनिया के दाम में आई तेजी। बिटकॉइन सहित इथेरियम सहित ज्यादातर प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में आज भी तेजी, बिटकॉइन 66,000 रुपए से ज्यादा बढ़ा। से होगी बैटरी स्वैपिंग की शुरुआत, हर 1 किलोमीटर पर होगा स्टेशन। हॉकी टूर्नामेंट खेलेगी टीम इंडिया की विस्फोटक बल्लेबाज, क्रिकेट टूटा था दिल। आरसीबी ने बनाया बड़ा प्लान, वेस्ट इंडीज के दिग्गज पर 12 करोड़ का दाव, सीएसके का अहम खिलाड़ी भी निशाने पर।
अमेज़ोनी ने शुरू कर दी प्रैक्टिस, अन्य टीम अभी मेगा ऑक्शन की ही कर रही है तैयारी। पिता के निधन पर सुरेश रैना ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट, कहा मैंने अपना सपोर्ट सिस्टम खो दिया। विराट भैया से कैप हासिल करना सपना सच होने जैसा है, डेब्यू के बाद दीपक हुड्डा का आया रिएक्शन। वेस्टइंडीज के खिलाफ 58 का औसत, दूसरे वनडे में खेलना तय, ईशान का पत्ता साफ। राहुल द्रविड़ खुद गेंदबाजी करने उतरे, बीसीसीआई ने ऐसे उड़ाया मजाक, टीम इंडिया के कोच का मजाक। विराट कोहली का बड़ा खुलासा, फ्रेंचाइजी ऑक्शन में नाम देने के लिए कई बार आ चुकी है संपर्क। रणजी ट्रॉफी नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या, क्रिकेट संघ ने टूर्नामेंट के पहले चरण के लिए 20 सदस्यीय टीम का किया ऐलान। पाकिस्तान दौर के लिए ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम का चयन, एक्सटन एगर की वापसी। अक्षय कुमार ने बच्चन पांडे के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो में जाने से किया इनकार, कपिल ने अक्षय को प्रधानमंत्री वाले इंटरव्यू पर उड़ाया था मजाक। अक्षय कुमार ट्राइकर शॉप की फिल्म का धमाकेदार ऐलान, अली अब्बास जफर कर रहे हैं फिल्म निर्देशन। नहीं रहे महाभारत के भीम, प्रवीण कुमार सोपती बीमार और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे अभिनेता। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को लेकर आई अच्छी खबर, ईद 2023 पर रिलीज होगी यह फिल्म। शाहरुख खान के सपोर्ट में उतरी उर्मिला, मान तोड़कर बोली थूकना नहीं दुआओं में फूकना कहते हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी के प्रमोशन में जुटी आलिया भट्ट, शेयर किया गंगूबाई लुक। कंगना रनौत के शो लॉकर में नजर आएंगी पूनम पांडे, श्वेता तिवारी और हिना खान भी आ सकती हैं नजर। लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने पर ट्रोल हुई ऐश्वर्या राय, यूजर्स बोले बहुत जल्दी याद आया। अनन्या पांडे के रेड शॉर्ट ड्रेस का दिखा कातिलाना अंदाज, इंटरनेट पर छाई एक्ट्रेस की ग्लैमरस फोटोज। लता मंगेशकर की नर्स का खुलासा, दीदी के अंतिम दो दिन भयानक रहे, निमोनिया और कोरोना इन्फेक्शन के बाद उनके लंग्स में मिले थे पैसेज। हमारे साथ देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।